अच्छे होंगे और जैसे कि आप लोगों को मैं भी कोशिश कर रही हूँ नए नए से ब्लॉग्स देने की इंटरेस्टिंग से इनफैक्ट। तो आज का मॉर्निंग स्टार्ट हो रही है, मतलब मॉर्निंग से ना मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करने वाली हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि बनारस में मैं जितने दिन भी डेली का ब्लॉग शेयर करूँ आप लोगों के साथ। सो मॉर्निंग हो चुकी है, ऑलमोस्ट 7 o'clock हो रहा है, सब लोग उठ गए हैं। उठ गई है तो रूही की मालिश कर दिया है मैंने, रूही को फ्रेशन अप कराऊंगी, रूही का ब्रेकफास्ट वगैरह बनाऊंगी, एवरीथिंग बनाऊंगी, सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो बस आप लोगों को क्या करना है, वीडियो में तक बने रहना है। फिर मेरी भी शक्ल भी यही है, नहा धोऊंगी, दिखाती हूँ आप लोगों को आज मैं कैसे रेडी होंगी। सो बने रहेगा वीडियो में एंड तक। सो गाइज, मॉर्निंग के बाद ना मैं बहुत देर के बाद आप लोगों से मिल रही हूँ। अब तक मैं रूही उठ गई थी उसी वक्त और वो पूरा एकदम फ्रेश हो चुकी है, नहा धो ली, उसने अपना ब्रेकफास्ट ले लिया। अब हम जा रहे हैं, ब्रेकफास्ट बना लिए ऐसे ही, ब्रेड बटर एंड चाय। तो चलिए हम भी ब्रेकफास्ट करते हैं, मिलते हैं आपसे। सो यहाँ पे ना हमारा ब्रेकफास्ट हो रहा था, जिसमें कि हमने लिया था ब्रेड। ब्रेड को बटर से अच्छे से फ्राई करके ना मुझे बहुत टेस्टी लगता है, इसको देखिए। और चाय बनाई थी, बढ़िया अदरक वाली चाय, तो बस वो बैठ करके हम कर रहे थे। बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है ब्रेड को बटर से अच्छे से सेक करके, जब क्रंची हो जाता है। और इसको तो जहाँ भी कैमरा दिख जाए झुक झुक के घुस घुस के इसको देखना होता है। तो मैंने इसको अपने गोद में ही बिठा लिया एंड आई जस्ट होप सो कि आप लोग वीडियो को इंजॉय कर रहे होंगे। हर तरीके की वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी अपकमिंग वीडियोज़। पता है अभी ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद हम आ गए हैं छत पे खुली धूप लेने के लिए। हाँ, ये मौका तो हमारे जो शहरों में फ्लैट्स होते हैं ना उसमें नहीं मिलता है। रूही इधर आइए, देखिए ये भाग करके जा रही है। चलिए चलिए चलिए, काऊ दिखेगी। बुला रही है वो काऊ को। अभी की गंदा नहीं, नहीं नहीं। तो अब छत पे ये भी नहाए धोए रहती है सुबह सुबह में, तो इसको भी अच्छी धूप मिल जाती है। खूब अच्छे से अब ये खेलेंगी, खूब मस्ती करेंगी थोड़ी देर यहाँ पे। अच्छा, ये क्या बीच की पाइप ही टूट गई है। रूही पिजन देखिए, भगा दीजिए पिजन, भगाइए तब भगाइए पिजन। और पता है यहाँ पे आने के बाद ना छत से आए हैं तो एक बॉयल करके रखे हुए थे इसको खिलाने के लिए, तो शादी के एल्बम दिख गया, तो सोचा कि चलो देखते हैं। और थोड़ी से इस मोमेंट को ना, मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल ये मोमेंट हो जाता है, तो हम भी देख रहे थे और हमारी प्रिंसेस भी देख रही थी। इनको बहुत मज़ा आ रहा था, इनको बस मम 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 कर रही थी। इनको मम्मा देखने आता और पापा देखना था, पापा को भी मम्मा ही बोलती हैं ये, तो इसीलिए इनको मम 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 कर रही थी। बट मैंने थोड़ा सा मतलब वॉइस ओवर कर लिया क्या, हाँ वॉइस ओवर कर लिया। इसको इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था मम 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 मम, तो वही वाला हाल है ना, मैंने नहीं देखी मेरे पापा की शादी, तो कोई बात नहीं, एल्बम देख रही है।
इसके बाद पता है मेरी जो हाउस हेल्पर होती है ना, वो आई थी, बट आज उसकी तबीयत बिल्कुल भी नहीं ठीक थी। मैंने उसको बोला वापस चली जाओ, तो कही नहीं मैं थोड़ा सा कर देती हूँ, पर यार नहीं अच्छा लगता अगर तबीयत नहीं ठीक है तो। जैसे अपना ही मन नहीं होता तो मैंने इसको बोला चलो ठीक है तुम थोड़े से बस मांज दो, मैं धुल देती हूँ बर्तन। तो यार मैं मांज दी, मैंने धुल दिया फटाफट से, उसके बाद ये चली गई थी। मैंने इसको ना हाथ में मोच आई थी, तो मैंने इसको ऑइनमेंट लगाया और ये चली गई। उसके बाद घर में झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, सारा काम फटाफट से करना पड़ा, क्योंकि घर को इतना ज्यादा क्लीन रखने की नीड हो रही है ना। जी टू माई प्रिंसेस की भाई, कहीं से बहुत सारी चीजें उठा, हाँ बहुत बहुत सारी चीजें उठा करके ये सब कुछ मुंह में डालने की कोशिश करती है ना, तो इसी वजह से मैं काफी ज्यादा क्लीनिंग की कोशिश करती हूँ कि सब कुछ एकदम से ना साफ सुथरे तरीके से रख सकूँ। बेटू मत छू ये, मम्मा का चश्मा है उसमें। नो 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 यार, हर चीज बचानी भी पड़ती है, हर चीज साफ सुथरी भी रखनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे चलो मेरी क्लीनिंग भी कंप्लीट हो गई है फिलहाल तो। और अपना, अब रूही सो गई है, बहुत मुश्किलों से सोई है। थोड़ा सा जगह चेंज होने की वजह से उसको भी नींद वगैरह आने में प्रॉब्लम ही होती है लगता है। और यहाँ पे इनका थोड़ा सा कुछ काम था ऑफिस का, तो वो देख रहे थे। और लंच में मैं दिखाऊँ तो कुछ तो बन गया है। हाँ चावल भी बन गया है, ये इसमें दाल बन करके रखी हुई है। यहाँ पे मैंने आलू बैंगन ऐसे सिंपली काट करके जो स्टफिंग वाला मसाला होता है ना वो डाल दिया है। और अब मैं जा रही हूँ नहाने, बच्चों के हैं 12, नहीं हो पाते। यहाँ पे इतने सारे काम हैं, इतने सारे काम, और आज तो जो हेल्पर आती है मेरी उनकी भी तबीयत नहीं ठीक थी, तो इस वजह से काम डबल हो गया, बहुत ज़्यादा काम हो गया। झाड़ू पोछा सब कुछ करना पड़ा, इनके बर्तन में भी लगना पड़ा। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने, मैंने कपड़े वगैरह निकाल लिए हैं, और धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो सो रही है। हालांकि मैं दूसरे रूम में हूँ, पर फिर भी थोड़ा सा धीरे बोलना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है हमें ना। तो चलिए मैं जा रही हूँ, नहाती हूँ, नहा करके फिर आती हूँ, तो मिलती हूँ आपसे। सो गाइस, पता है अभी ना मैं, हाँ अभी ना लंच वगैरह हो गया और सारा काम टाइम से हो ही गया। मैं अभी बहुत अच्छी बालकनी में धूप आई हुई है, जो कि हमारे घर पे तो बिल्कुल नसीब नहीं होती है। वेट है ना, तो जो कि धूप हमारे घर पे तो बिल्कुल भी हमें नसीब नहीं होती है। तो यहाँ पे घर पे ना बहुत अच्छी सी धूप हो रखी है, और रूही वो काफी ज्यादा कोल्ड, क्या उसको ना कफ हो रखा है, कोल्ड कफ हो रखा है। तो बहुत अच्छी सी धूप आई हुई है, वहीं पर मैं जा रही हूँ। ये मैंने इसमें लिया है तेल, सरसों का गरम, जिसको कि मम्मी ने लहसुन अजवाइन हींग वगैरह आई डोंट नो सब कुछ डाल करके बनाया हुआ है। तो मैं इसी टिफिन में गर्म कर दी, क्योंकि मैं जिसमें गर्म करती हूँ कल छूल वो गंदी है, तो मैं इसी में गर्म कर लूंगी। जाकर के बालकनी में बैठ करके आराम से ना उसको मैं तेल लगा दूंगी, क्योंकि अभी वो धूप में है, पापा के पास अभी अपने रहेगी, उसको भी आराम मिलेगा। यार बच्चे ने इतना ज्यादा भागम भाग करते हैं कि उनके साथ चीजें इतनी आसान नहीं ही हो पाती हैं। तो ये देखो पूरा धुआं निकल रहा है। तो वही कह रहे हैं ना, इधर इधर रुके, विकी 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 याला ऑयल इधर ट्रांसफर कर लीजिए अपने, नहीं कल होगा सब। तो पता है अभी बालकनी में बैठे हुए हैं और मैं दिखाती हूँ, ये यहाँ पर बैठे धूप ले रहे हैं, मेरी प्रिंसेस है मैडम, इधर देखिए, हेलो करिए, से हेलो। और तो बड़ा मुश्किल से मैंने इनकी ऑयलिंग की है, नेक पोनी बनाई बहुत मुश्किल से। डोंट टच वी, गंदा भी मम्मा ला करके इसको भी साफ करे, कि पकड़िए ला करके। एक तो नया गाइस, कहीं पे भी बैठो ना तो लगता है कि पहले सफाई कर दो, इतने टाइम से घर जब बंद होता है ना तो यही चीजें होती हैं। सो पता है गाइस, मैंने ना आप लोगों के साथ इतना शेयर किया वीडियो, और ये वाला जो व्लॉग है ना इसको मैं यहीं पर ही एंड करूंगी। ये देखिए मेरी बुगली को, क्योंकि अभी ना मैं बहुत लंबे लंबे से ब्लॉग नहीं कर रही हूँ, मैं देखना चाहती हूँ। हाँ बेटा, अच्छा मोटू को दिखा दूँ, ठीक है मोटू को सब लोग देख लीजिए, मिली मुझको। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करूंगी, और आज अगेन अपना एक न्यू ब्लॉग मैं स्टार्ट करूंगी। ठीक है, तो क्या करना है आप लोगों को, आप लोगों को ये देखिए वीडियो में बने रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है गाइस,
मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। बाय बाय गाइस, लव यू ऑल, बाय करिए, प्यार करिए, बाय बाय।